जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो इस वाले वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 और उसी के साथ में सैमसंग गैलेक्सी F22। काफी अच्छे फोन है, एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आते हैं। और G88 और G80 में से कौन सा बाय करना चाहिए, किस प्राइस में कौन सा वेरिएंट, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, पूरा आंसर देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर मैं दोनों ही फोन्स के प्राइस और वेरिएंट की बात करूं, तो दोनों फोन्स के प्राइस रेंट आपको डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप सिंपली देखते हो 4+64 वाला मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो कहते हैं कि मेरे लिए 64 GB रोम मतलब कह सकते हो काफी एम नहीं भरेगी, तो उनके लिए ये वाला कंपेरिजन है। तो 6+128 लेना चाहते हैं, सिंपली एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। रियलमी 8 4G वाला सेल में काफी अच्छे ऑफर्स के ऊपर आ रखा है, तो वो वाला बाय कर सकते हो। 6128 करो भले ही 8128 15,000 के अंडर मिल जाएगा। और वहीं अगर इन दोनों की बात करूं, तो 4+64 आपको 13,000 और 12,000 में देखने को मिल रहा है। दोनों ही फोन्स की अगर डिस्प्ले की बात करूं, तो दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले बिल्कुल अलग है, कह सकते हो पूरे ही स्पेसिफिकेशंस के बहुत अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस 60Hz की एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलती है इन्फिनिक्स नोट 11 में, और गैलेक्सी F22 में देखो 6.4 इंच की HD प्लस की 90Hz की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगी। अब देखो पूरा ही डिफरेंस है, फुल HD प्लस HD प्लस 90Hz और 60Hz एमोलेड और सुपर एमोलेड काफी डिफरेंस है। तो मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूंगा, मैं अगर होता तो सैमसंग वाला फोन बाय करता, क्योंकि देखो सुपर एमोलेड है तो एमोलेड से थोड़ी सी बेटर निकल जाती है। 60Hz की जगह मैं 90Hz को चूज करता और HD प्लस मेरे आई थिंक ही एडजस्ट हो जाता। तो आई थिंक की डिस्प्ले के मामले में F22 को मैं बाय करता, बाकी आपके ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कैमराज का सबसे बड़ा लोचा इन्फिनिक्स और एक सैमसंग, काफी ज्यादा कह सकते हो ब्रांड वैल्यू में सैमसंग बहुत ऊपर है। मेरे को पर्सनली बताऊं सैमसंग के फोन काफी ज्यादा पसंद है। अगर सिंपली अगर इन्फिनिक्स और सैमसंग में कहा जाए तो 99% कहेंगे मैं तो सैमसंग वाले फोन की ओर जाऊंगा। तो कैमराज की अगर बात करूं तो 50+2+2 16 MP का सेल्फी कैमरा आपको इन्फिनिक्स में, सैमसंग में आपको 48+8+2+2 और 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अब अगर आप लुक की ओर जाते हो तो आपका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि लुक किस वाले फोन का आपको ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन कैमरा क्वालिटी में क्लियर आंसर है कि सैमसंग वाले कैमरास थोड़े से इम्प्रूव है, सैमसंग वाले क्वालिटी अच्छी है। सबसे बुरी चीज सैमसंग की मेरे को यही लगती है कि भाई बड़े बड़े इन्वर्टर के साथ में आप चार्जिंग क्यों नहीं दे सकते, 15 वोल्ट 25 वोल्ट उससे आगे तो जाओ कभी। तो देखो आपको सिंपली से मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे आपको 5000 mAh इन्फिनिक्स में 5000 mAh की बैटरी के साथ में 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक काफी बेटर देखने को मिलता है। 5000 और 33 वोल्ट ये बैलेंस कह सकते हो आप, लेकिन जब सैमसंग में आते हो तो 6000 mAh की बैटरी और 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर, ये भाई कहाँ का कॉम्बिनेशन है सैमसंग लवर्स बताओ मेरे को। लेकिन फिर भी कह सकते हो भाई सैमसंग जब दूसरे एक्सपेरियंस काफी अच्छे दे देते हो तो ये वाला एडजस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक सैमसंग को थोड़ा फास्ट चार्जिंग बढ़ाना चाहिए। तो साहब से अगर कैमरा में देखा जाए, सॉरी बैटरी में देखा जाए, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का फोन बेटर निकल जाता है। मीडियाटेक हेलियो G88 वर्सेस G80 काफी बड़ा डिफरेंस है, और उस हिसाब से परफॉर्मेंस के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, काफी शुद्ध हिंदी सीख ली हमने। तो एनीवे अगर सिंपली बात करने की कोशिश करूं तो G88 और G80 में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन ये ब्रांड के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर बनाया, मतलब कैपेबल किया है अपने फोन के लिए। तो उस हिसाब से अगर सिंपली बात करूं तो प्रोसेसर कैपेबल इन्फिनिक्स वाला है, थोड़ी सी कह सकते हो ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इन्फिनिक्स वाले फोन में, लेकिन जो प्रैक्टिकली जब आप यूज करोगे तो दिक्कत तो कोई भी फोन में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो सबसे नॉर्मल यूजर के लिए दोनों ही प्रोसेसर्स काफी ज्यादा कैपेबल है, लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस, मैं आपको सिंपली कह रहा हूँ थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज्यादा है इन्फिनिक्स वाले फोन में, क्योंकि G88 नया प्रोसेसर है और दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। ओवरऑल कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो 4+64 के साथ में सेटिस्फाई है, मतलब 4+64 जिनके लिए अच्छा रहेगा, तो उन्हीं के लिए आपको सजेस्ट करूंगा मेरे हिसाब से सैमसंग लवर्स के हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी F22 आपको बाय करना चाहिए 13,000 साढ़े 13,000 तक, उससे ऊपर आपको काफी अच्छे फोन्स मिल जाएंगे। तो ये वाला आपके लिए वैल्यू फोन मनी तो नहीं, लेकिन बेस्ट जरूर हो सकता है सैमसंग लवर्स के लिए। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो काफी पसंद आएगी,
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपसे ऐसी ही अमेजिंग अगली वीडियो में।